This meeting is being recorded. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है और मुझे अकाउंट इंसर्ट करना. अकाउंट ओबीजे अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट. ओबीजे अकाउंट डॉट नेम इक्वल टू मैं एक काम करता हूँ. अपॉर्चुनिटी का कुछ उठा के डाल मतलब अपॉर्चुनिटी पे अगर कोई फील्ड है ओबीजे नेम है तो नेम ही डाल दीजिए. अपॉर्चुनिटी का नाम डाल देता हूँ. मैंने मैप के बाद बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो नेम आ रही है यूनिक आ रही है. अगर यूनिक नहीं आएगी तो दोबारा अगर फॉर एग्जाम्पल कि सेम मतलब दो अपॉर्चुनिटी का सेम नाम आया तो यहाँ पे जो नेम रहेगी वो लास्ट वाले से रिप्लेस हो जाएगी. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिक नेम आ रहा है तो मैंने फॉर लूप के बाहर क्या किया इंसर्ट मैप डॉट वैल्यूज. मैप का मेथड होता है वैल्यूज तो ये इंसर्ट हो गया. अगर मैं इसको कॉल करता हूं अगर मैं काम करता हूं मेथड ही बना लेता हूं फिर
मैं अभी इसमें अभी कुछ भी ऐसा चेक्स नहीं लगा रहा हूँ कि ट्रिगर डॉट इंसर्ट पे कॉल, मैं क्योंकि यहाँ पे एक ही इवेंट रखा हूँ तो मैं सिंपल एग्जांपल के लिए कॉल कर रहा हूँ बस, है ना, बाकी चेक्स वगैरह। सबसे पहले इवक लॉग भी सेट कर लेता हूँ ताकि देखो इस हो गया ना एसोसिएट, देख रहे हो आप लोग। जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी इंसर्ट किया, अकाउंट भी अमित नाम से आ गया, क्योंकि अभी लॉजिक लगा है कि अमित नाम से कोई अकाउंट बन रहा है, और ये देखते हैं कि क्या ये अमित अभी बना है क्या। तो अगर अच्छा इसमें क्रिएटेड इट का फील्ड में डाल देता हूँ लेआउट पे, क्रेडिट लेआउट। तो अभी मैं अभी कोड समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी एक मिनट। राइट, अभी अभी क्रिएटेड बाय 10/9/2000, मेरा पता नहीं क्या है वो टाइमिंग, लेकिन अभी क्रिएट हुआ है।
क्रिएट अभी हुई है, ये टाइमिंग हो सकता है मेरा कुछ कोई टाइम जोन देखने को क्या है, तो अभी ये क्रिएट हुई है। तो बेसिकली अगर अपॉर्चुनिटी का भी अगर क्रिएशन डेट देखेंगे तो वही सेम है, राइट करेक्ट सेम है। तो अब लॉजिक समझते हैं क्या किया हमने। पहले तो कि हमने ट्रिगर बनाया और उसको बिफोर इंसर्ट पे कॉल कराया, और जो मैंने जितना समझाया है कि क्या क्या इवेंट यहाँ पे सारा इवेंट डाल के आपको इफ एल्स में कॉल करना है। तो बेसिकली मैं मुझे बिफोर इंसर्ट पे अभी मैंने डाला है तो केवल मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया, राइट। और उसके बाद मैंने मेथड में क्या हुआ, ट्रिगर डॉट न्यू पास हुआ तो ये लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आया। फिर मैंने एक मैप बनाया है जिसका की है स्ट्रिंग और वैल्यू है अकाउंट टाइप। तो मैप स्ट्रिंग का मतलब की वैल्यू का मैंने बना लिया। अब मैं अपॉर्चुनिटी जो इंसर्ट होने आया है, जितने भी अपॉर्चुनिटी इंसर्ट होने हैं देखेंगे क्या हो। उसके अगेंस्ट मैंने अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में अपॉर्चुनिटी का नाम डाला एंड अपॉर्चुनिटी का नाम डाल के फिर मैंने मैप में क्या किया, की में अपॉर्चुनिटी का नाम डाल दिया और वैल्यू में अकाउंट डाल दिया। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके अगेंस्ट मतलब उसके नाम से अकाउंट क्रिएट करके मैंने एक मैप मेंटेन कर लिया कि मुझे की के बेस पे, इस नाम के बेस पे अकाउंट को मतलब टैग करना है। तो मैंने की पे नाम डाल दिया एंड अकाउंट डाल दिया वैल्यू में। अब जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ ना, तो ये बेसिकली क्या है मैप में, क्या है की वैल्यू। तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज आए हैं उतने अकाउंट बनेंगे, मतलब इसमें एक लिस्ट मतलब ये वैल्यूज पे रहेगा। तो बेसिकली जब मैप डॉट वैल्यूज करते हैं तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न करेगा। अगर एक अकाउंट है तो एक अकाउंट रिटर्न, एक रिकॉर्ड है तो एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। जितने भी मतलब जितने भी बार लूप चलेगा उतना यहाँ पे वैल्यूज है। तो इंसर्ट मैंने मैप डॉट वैल्यूज कर दिया, बेसिकली इंसर्ट लिस्ट ही हो गया, लिस्ट इंसर्ट हो रहा है। मतलब मैप के वैल्यू पे जो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो इंसर्ट हो गए। तो जैसे ही इंसर्ट चलता है ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में आईडी भी आ गई होगी, आईडी भी आ जाती है। जैसे ही मेरा डीएमएल स्टेटमेंट चलता है उसमें आईडी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर मैं अगर आपको डिबग दिखाऊं, इस नाम से ये लगता है किसी यूजर का डिबग लगता है। एक बार फिर से अब क्रिएट करता हूँ, अब नाम रखता हूँ आदित्य। और इसको सेव कर लेता हूँ, आदित्य के नाम से एक अकाउंट बना के टैग कर दिया है। मैं यहाँ पे डीबग देखता हूँ, तो अगर आप डीबग देखोगे तो पहले पहला मैप नेम टू अकाउंट में आदित्य आया की पे, और वैल्यू पे अकाउंट में नाम आदित्य है। लेकिन जैसे इंसर्ट होने के बाद मैंने मैप प्रिंट करके देखा तो नेम आदित्य है, की पे अकाउंट जो है, की पे सॉरी नाम है अकाउंट का, और वैल्यू पे अब जो नाम के साथ साथ आईडी भी आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे जब लूप चलाया यहाँ पे, अब मैं जब ट्रिगर डॉट न्यू पे लूप चला रहा हूँ तो मैं मैप से निकाल रहा हूँ कि मैप डॉट गेट, गेट क्या हो, अपॉर्चुनिटी का जो नाम है उस, तो जब मैं अपॉर्चुनिटी का नाम, तो इस मैप में उस नाम से अकाउंट भी है, स्टोर है। तो मैंने मैच कर लिया, मतलब निकाल लिया मैंने, उसी अकाउंट आ जाएगा। मतलब जब मैं मैप डॉट गेट करूंगा तो ये क्या देगा, अकाउंट का रिकॉर्ड देगा, राइट, अकाउंट का रिकॉर्ड देगा। तो फिर मैंने अपॉर्चुनिटी के अकाउंट आईडी में उस अकाउंट की आईडी डाल दी। जब मैं मैप डॉट गेट करूंगा तो ये एक रिकॉर्ड देगा, किसकी देगा, अकाउंट की देगा, और उस पे मैंने आईडी डाल दी। समझ आया? हेलो, ये जो आपने लूप चलाया अपॉर्चुनिटी पे, वहां से आपने मैप नेम टू अकाउंट डॉट गेट ओबीजे नेम, तो गेट ओबीजे नेम ये आपको क्या दे रहा है ये? ओबीजे डॉट नेम अपॉर्चुनिटी का नाम देगा ना, ओके अपॉर्चुनिटी का नाम देगा जिस पे अपॉर्चुनिटी पर लूप चला, अपॉर्चुनिटी का नाम देगा। और मैंने मैप में क्या किया, अपॉर्चुनिटी का नाम ही तो रखा है ना की पे,
और हाँ उसके हाँ अगेंस्ट अकाउंट रखा है, तो मुझे वह उसी अपॉर्चुनिटी के नाम के अगेंस्ट अकाउंट चाहिए। ओके है उसमें स्ट्रिंग में क्या स्टोर होगा? आईडी किस पे? मैप जो है स्ट्रिंग ये की है ऊपर ना, जो ये की पे इनिशियलाइज, नाम स्टोर हो रहा है ना। जो आपने ऊपर इनिशियलाइज किया है ना मैप स्ट्रिंग और अकाउंट, तो हाँ स्ट्रिंग हाँ में आईडी स्टोर होगा। नहीं, स्ट्रिंग में मैं नाम रख रहा हूँ। पुट देखो ना, मैप डॉट पुट मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम रख रहा हूँ ना की पे। ये मैप डॉट पुट की और वैल्यू, की पे मैं अपॉर्चुनिटी का नाम रख रहा हूँ। ओके अपॉर्चुनिटी के नाम के अगेंस्ट अकाउंट का ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एसोसिएट उसके नाम के बेस में करना है। हो सकता है यहाँ पे कोई और फील्ड पे एसोसिएट करना है, या किसी फील्ड के कॉम्बिनेशन पे करना है, तो मैं वो की रख दूंगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसका नाम प्लस टाइप पे रखना है, नाम प्लस टाइप पे रखना है, तो उस की का बनाऊंगा मैं। समझ आ रहा है? आ गया, समझ में आ गया। इस मैप का यूज करने से मेरा लूप बच गया। नहीं तो मुझे क्या करना होता कि मैं फिर अपॉर्चुनिटी पे लूप चला के मैं अकाउंट पे लूप चलाता और फिर मैच करता मैं कि ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू ओबीजे अकाउंट डॉट नेम। समझ आया? एक लूप बच गया मैप के वजह से। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिस्ट में लिया रहता है, यहाँ पे लिस्ट रखता, मैं लिस्ट रखता, लिस्ट अकाउंट रहता, तो मैं फिर यहाँ पे इस लिस्ट पे लूप चलाता, अकाउंट ओबीजे अकाउंट, जैसा आप कर रहे हो अभी एलएसटी अकाउंट। सही ये भी है, लेकिन ये प्रोसेसिंग ज्यादा होगा। अब मैं मैच करूंगा कि इफ ओबीजे नेम इक्वल इक्वल टू ओबीजे अकाउंट डॉट नेम, तब ओबीजे अकाउंट आईडी में इस अकाउंट की आईडी डाल दो। राइट, ये चलता फिर। लेकिन मैंने मैप के वजह से मेरा ये लूप बच जाएगा। बेसिकली क्या लूप क्या कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है और एक अपॉर्चुनिटी के अब मान लीजिए 10 अकाउंट, मतलब 10 रिकॉर्ड्स है, तो 10 बार लूप चलेगा। तो ज्यादा रिकॉर्ड्स है तो ज्यादा बार लूप चलेंगे। अगर 10 10 रिकॉर्ड आए हैं तो एक लूप में दस एक 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 रिकॉर्ड के लिए 10 बार कंपेरिजन चलेगी। करेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिकॉर्ड कहाँ मिलता है, कि रिकॉर्ड अगर लिस्ट के लास्ट इंडेक्स पे है तो 10 बार हमेशा चलेगा ये। सर वो जो कोड आपने अभी लिखा ना, वो कोड अभी शेयर कर दिए चैट पे, अंडू करके। हाँ अच्छा, ये वाला मैं इसको सेव कैंसिल कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो बेसिकली ये हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे लेकिन पता नहीं है कि मुझे नाम मत मुझे मुझे नहीं पता है कि मुझे नाम के बेस पे एसोसिएट करना है ऐसा, तो मुझे फिर एक्सटर्नल आईडी के बेस पे हम वो करते हैं। अगर मुझे पेरेंट और चाइल्ड एक साथ इंसर्ट करना है, लेकिन मुझे मतलब आइडेंटिफायर, अगर आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब ये लॉजिक मेरे पास नहीं है अगर, तो मुझे एक आइडेंटिफायर बना के फिर एसोसिएट करना होगा। बेसिकली जब सर ये ये कॉल, बाहर से जब डेटा माइग्रेशन होता है, जब डेटा आता है, तो ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड्स है वो सेल्स फोर्स में इंसर्ट नहीं है। राइट, सेल्स फोर्स में इंसर्ट नहीं है, तो पेरेंट और चाइल्ड का डेटा अगर एक साथ आ रहा है, तो बेसिकली होता क्या कि मैं पहले पेरेंट को इंसर्ट करता हूँ, तो पेरेंट की आईडी लेके फिर मैं चाइल्ड को इंसर्ट करता हूँ, बेसिकली होता यही है। लेकिन मुझे पता है कि अगर एक साथ करना है तो मैं एक्सटर्नल आईडी बना के फिर कर सकता हूँ, एक्सटर्नल आईडी पॉपुलेट ओके। करा के। जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लीड्स हमारे पास जो आता है ना, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आता है, ठीक है। तो लीड्स के बाद एक एपीआई कॉल आती है, जिसके कारण लीड हमारा कन्वर्ट होता है अकाउंट्स एंड अपॉर्चुनिटी में, वो साइमल्टेनियसली होता है। वो तो जो लीड का ही डेटा वो अकाउंट में जाता है, और अकाउंट से डेटा जो आता है वो अपॉर्चुनिटी में जाती है, या लीड से दोनों में ही जाती है। तो ये जो कन्वर्जन होता है, लीड से कन्वर्ट होता है मतलब अकाउंट्स और अपॉर्चुनिटी में, ये कन्वर्शन मतलब एक साथ ही कैसे, मतलब अकाउंट्स और अपॉर्चुनिटी दोनों बन जाते हैं?
वो मैंने बताया तो था, डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड होता है ना, अच्छा कन्वर्ट वो लीड, आप जो, कन्वर्ट लीड डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड से हो जाता है, वो मेथड कॉल करोगे तो अपने आप ये फंक्शनैलिटी आ जाती है ना, डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड। अब ऐसा नहीं है कि आपको लीड को कन्वर्ट करना है तो पहले मतलब डीएमएल करके कर सकते हो, नहीं कि आपने पहले अकाउंट इंसर्ट किया, अपॉर्चुनिटी इंसर्ट किया, फिर लिस्ट पे कुछ, फिर लीड पे कुछ अपडेट कर दिया तो कन्वर्ट हो गया, नहीं मुझे डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड यूज करना ही होगा। हाँ, मैपिंग आप कस्टम कर सकते हो कि लीड का कौन सा डेटा अपॉर्चुनिटी पे जाना है और अकाउंट पे जाना है, वो मैपिंग आप कस्टम भी कर सकते हो, और बाकी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड भी होता है लीड मैपिंग हाँ के थ्रू, हाँ वो वहां लीड पे था, करेक्ट। मैपिंग में आप डिफाइन कर दोगे तो वो अपने आप जब कन्वर्ट करोगे तो मैपिंग हो जाएगी। लेकिन आपका लगता है कुछ कस्टम मैपिंग है, कस्टम तरीके से मैप करना है, अगर मतलब स्टैंडर्ड से अचीवेबल नहीं है तो फिर आपको ट्रिगर में लिख के उसको कन्वर्ट करना होगा। ओके ठीक है, और बताइए। और दूसरा मैंने बनाया था सर, ये चैट में आपने जो कॉपी नहीं हो रहा है सर, ये हाँ ठीक है, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। व्हाट्सएप पे दूसरा था, भेज दूंगा। आपने बताया कि इफ इफ एन अपॉर्चुनिटी स्टेज इज क्लोज्ड वन, नो वन कैन डिलीट इट एक्सेप्ट सिस्टम एडमिन, तो ये मैंने तो कर दिया है ना। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए, देख लेते हैं। हाँ ठीक, ये मैंने छोटा सा लॉजिक लिखा है, तो ये मैंने सिस्टम एडमिन के लिए लिखा है कि सिस्टम एडमिन ही डिलीट नहीं कर पाए, वो प्रो मैं बाद में चेंज कर दूंगा बस टेस्ट करने के हाँ लिए। हाँ मैं समझ गया, क्योंकि फिर आपको दूसरे प्रोफाइल से लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपने प्रोफाइल पे ही क्वेरी मार, लेकिन आपने ये, आप मतलब ये कैसे पता चल रहा है कि आपका लॉग्ड इन यूजर, हो सकता है कि अभी ये अब लॉग्ड इन यूजर कोई और है जिसका प्रोफाइल अलग है, तो वो तो डिलीट कर पाएगा। मतलब ये समझ में नहीं आई है, समझाइए फिर से। हाँ ये पता है क्या, ये सबके लिए, ये लॉजिक सबके लिए अप्लीकेबल हो गया। आपने कहाँ चेक लगा, अगर प्रोफाइल ने, आपने सिंपल क्वेरी मार लिया सिस्टम एडमिन पे, अगर कोई दूसरे प्रोफाइल का भी यूजर अगर मतलब चला रहा है तो भी उसको एरर आ जाएगी। अच्छा ऐसा ही क्या। आपने तो मतलब स्टैटिक क्वेरी लगा दी ना यहाँ पे, कि प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल पे हाँ क्वेरी मार ली सिस्टम एडमिन, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। हाँ ये तो मैं कोई भी अदर प्रोफाइल का भी यूजर अगर लॉग्ड इन रहेगा, उसको भी ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो क्वेरी में तो उसको भी आएगी ना, क्योंकि आपने हार्ड कोड यहाँ पे यूज किया है। आप पहले लॉग्ड इन यूजर निकालोगे, उसका प्रोफाइल निकालोगे। ओके, वो कैसे करेंगे। मैंने बताया था, यूजर इन्फो क्लास से आप पहले लॉग्ड इन यूजर की आईडी प्रोफाइल निकालोगे, उसका प्रोफाइल क्या है, फिर उसका नाम निकालोगे और फिर आप करोगे। इरफान ने बना रखा है, इरफान आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो क्या? जी जी मैम, आप दिखाओ, इरफान ने बनाया है। तो इरफान का अगर आप जी देखोगे तो यहाँ पे इरफान ने क्या किया है, पहले यूजर इन्फो से अब 52 नंबर लाइन पे देखो तो यूजर इन्फो क्लास का यूज करके पहले प्रोफाइल आईडी निकाला। यूजर इन्फो बेसिकली लॉग्ड इन यूजर का इन्फॉर्मेशन देता है, तो मुझे तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो लॉग्ड इन यूजर अगर सिस्टम एडमिन के अलावा छोड़ के कोई और है तो डिलीट ना करने दे, राइट? तो मैंने पहले यूजर इन्फो का प्रोफाइल निकाला, फिर उस प्रोफाइल का प्रोफाइल आईडी को मैंने एक मेथड कॉल किया, इन्होंने कॉमन यूटिलिटी हेल्पर डॉट गेट प्रोफाइल नेम, उसमें प्रोफाइल आईडी पास किया तो नेम रिटर्न कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये लो, अगर आपको कॉमन मतलब ये सारे चीजें चाहिए तो कॉमन मेथड मतलब कॉमन क्लास बना के कॉमन मेथड में रख दो, ताकि बार बार आप यहाँ पे क्वेरी ना करो। अगर किसी और को भी वो चाहिए कि प्रोफाइल आईडी के बेस पे नाम रिटर्न करे तो वो सिंपल उस क्लास को कॉल कर लेगा, लेकिन आप यहीं पे क्वेरी लिखोगे तो आपको इस क्वेरी को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने वो भी सही किया है कि इन्होंने कॉमन यूटिलिटी हेल्पर के थ्रू बना के रखा है। यहाँ पे लिखती है हाँ, इसके यहाँ पे अंदर। इन्होंने कॉमन बना रखा है मेथड, अब इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अगर कोई भी अपने लॉजिक में इसको चाहिए तो वो अपने मेथड सिंपली कॉल करेगा, प्रोफाइल आईडी पास करेगा, उसको नेम रिटर्न हो जाएगा।
सो अब इन्होंने चेक कर लिया कि जो लॉग्ड इन यूजर जो है उसका प्रोफाइल नेम अगर सिस्टम एडमिन है तो डिलीट ना कर, मतलब अभी इन्होंने मतलब ये किया कि मान के चला है कि कोई और प्रोफाइल आ रही है, क्योंकि बेसिकली लॉग्ड इन हम सिस्टम एडमिन से ही चेक करना था। तो यहाँ पे प्रोफाइल नेम बेसिकली ये रहेगा, प्रोफाइल नेम नॉट इक्वल टू सिस्टम एडमिन, राइट? तो सबके लिए वो एरर देगा बेसिकली, जो 57 लाइन पे इन्होंने लिखा है प्रोफाइल नेम इक्वल टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अभी क्या है कि सिस्टम एडमिन के लिए ही चलेगा, तो सिस्टम एडमिन को रोकेगा, बाकी किसी के लिए नहीं रोकेगा। जस्ट अपोजिट टेस्टिंग के लिए जस्ट अपोजिट करना था, ठीक है? लॉजिक वही है, सेम लॉजिक है। और आपने किस पे ट्रिगर का इवेंट क्या रखा था? बिफोर डिक्लेयर। इरफान आपने ट्रिगर का इवेंट क्या रखा है? बिफोर डिलीट। तो बेसिकली देखो इरफान ने एग्जैक्टली जो मैंने टेम्पलेट दिया था एग्जैक्टली वैसे ही सेम बनाया है कि मैंने एक बार ट्रिगर भी दिखा दो, ट्रिगर दिखा दो आप। तो देखो इरफान ने बेसिकली एग्जैक्टली इन्होंने वो भी यूज कर लिया है, स्विच मेथड भी यूज कर लिया है, वो कस्टम मेथड डेटा यूज कर लिया है, और उसमें चेक मतलब उसके बेस पे ट्रिगर चलना है नहीं चलना है सारा यूज कर लिया है। तो बेसिकली अगर आप ये देखो कि अगर कोई नया अगर नया डेवलपर है तो इस तरीके का कोड भी नहीं लिख सकता। हाउएवर ये कोड उतना भी अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, और भी ऑप्टिमाइज हो सकता है, मतलब कहने का मतलब और भी हम पैटर्न यूज कर सकते हैं, तो वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न भी सही होता है, सही है कि आपका ट्रिगर हैंडलर में केवल मेथड कॉलिंग हो रहा है, आपने ट्रिगर सॉरी ट्रिगर में केवल मेथड कॉलिंग हो रहा है, आपने ट्रिगर में स्विच यूज किया है, और सारा लॉजिक आपने ट्रिगर हैंडलर पैटर्न में डाला है। अगर आपको लगता है कोई कॉमन मेथड्स है, कॉमन लॉजिक है, तो उसको अलग कॉमन क्लास में डाल दिया है, तो मतलब एग्जैक्टली इरफान ने वही चीज किया है। तो समझ आया अक्षय और अनिल सर, समझ आया आप लोगों को ये चीज? हाँ ये तो समझ में आया। ठीक है, तो इरफान ये कोड एक बार मेरे को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है इरफान, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर देना बाद में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट अक्षय, आपने कुछ किया क्या? नहीं सर, मैं कल दिखाऊंगा आपका। ठीक है, चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट अपडेट करने। सॉरी, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट अकाउंट अपडेट करने, वो किसी ने किया क्या? एक्चुअली मैंने भी अटेम्प्ट किया, मैंने एक्चुअली मैंने किया था, एक बार दिखाना। मैंने किया था लेकिन मैं इसको सेपरेट करना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे एरर दिया था। मैंने ये पूरा मेथड इसमें इसके अंदर डाला तो चल रहा था, लेकिन अब मुझे इसको अलग करना है, मैं स्टक हो गया हूँ यहाँ पे। इसकी जो ये लाइन नंबर 25 क्या अकाउंट आईडी सेट और मैं पास किया यहाँ से, लेकिन ये आफ्टर इंसर्ट में पहले कॉन्टैक्ट पे लूप चलाया, कॉन्टैक्ट पे लूप चलाने के बाद आपने क्या किया है कि कॉन्टैक्ट पे जितने भी अकाउंट है उसके अगेंस्ट पूरा लिस्ट को रख लिया, सही है? ठीक है, और फिर मैंने फिर आपने सेट में एक सेट बनाया है और उसमें अकाउंट आईडी डाल ली। ठीक है, ये अकाउंट आईडी सेट में है, ये मैप है। हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे पास किया मैंने, आई डोंट नो सिंटैक्स सही नहीं है या क्या इशू है। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट जो लिखा है आपने मैप के अंदर लिस्ट बनाओ, लिस्ट होगा। हाँ, एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होगा लिस्ट को, नहीं नहीं लिस्ट के बाद एंगुलर ब्रैकेट देते हैं ना। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना कैसे करोगे आप? पहले एंगुलर ब्रैकेट शुरू से हटाओ आप। आप एक्सेस ले सकते हैं, सॉरी स्क्रीन का एक्सेस ले सकते हैं,
स्क्रीन पे सिंटैक्स नहीं पता इसका। आ गया आ गया। इरफान लिस्ट लिखो, उसके बाद जो है ना ऑफ लिस्ट के बगल में जो ब्रैकेट है ना वो हटा दो लिस्ट पर। हाँ, और ऑफ वो हटाओ, ऑफ ऑफ हाँ वो हटाओ, स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट वहां पे दे दो बस, और लास्ट वाला हटा दो। ये दो दो एंगुलर ब्रैकेट आ गया ना सर। ठीक है, अब क्या आ रहा है एरर? नहीं नहीं, दूसरा ट्रिगर का है ये लास्ट, ये एरर खत्म हो गई ना? जी जी ठीक है, समझ गया। ठीक है ना, तो आप वहां से देखो, आप यहां से क्या पास कर रहे हो? ये जो लिस्ट है यहां पे देखो, मैप तो देखो कैसे बनाया। ठीक, तो ये मैप ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना ये? तो आप वहां भी एग्जैक्टली वही रखोगे ना, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट रखोगे ना? यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट रखे थे, तो ऑब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट में लिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट नहीं आएगा ना? समझ आया कि आपका वैल्यू है लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, और आप स्टोर करा रहे हैं उसको केवल कॉन्टेक्ट में, तो कैसे होगा? और हम सेपरेट अलग इसको करना बेहतर है या उसी के पहले वाले मेथड में इसको इंक्लूड करना बेहतर, क्योंकि यहाँ पे इवेंट में यहाँ पे देखो यहाँ से तो सिंपल आप मेथड कॉल कर लो ये वाला, और जो आपने इतना जो सारा चीज किया है ये आप इसी के अंदर करो, इसके अंदर करो। बेसिकली ये आपका केवल इसमें मेथड्स कॉल होंगे बस केवल, और आफ्टर इंसर्ट में कल को कोई और लॉजिक कॉल, कोई और लॉजिक चलाना है तो बस उस मेथड को कॉल कर दो। राइट, के केस में या अपडेट करके से मुझे एक और लिस्ट इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने कहा इंसर्ट का अलग होगा डिलीट का अलग होगा। क्या बोल रहे हो? इंसर्ट के केस में लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इंसर्ट के केस में आपको अगर इंसर्ट, ये आपका इंसर्ट के केस में चल रहा है, अपडेट के केस में चलाना है तो इस वाले से कॉल करोगे इस मेथड को। राइट, ये मेथड तीन जगह से कॉल होगा, अपडेट इंसर्ट और डिलीट। राइट, तीन जगह से कॉल होगा ना, क्योंकि आपको काउंट अपडेट करना है। राइट, तो काउंट अपडेट करना है तो इंसर्ट पे भी होगा, अपडेट पे भी होगा, डिलीट पे भी होगा। एक अकाउंट के अगर कोई कॉन्टेक्ट है, इंसर्ट हो रहा है तो भी चलेगा, अगर उसके अगर डिलीट हो रहा है तो भी चलेगा, अगर कॉन्टेक्ट पे अकाउंट अपडेट हो रहा है तो भी चलेगा। राइट, ठीक ठीक समझे। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों के केस में लॉजिक चलना है, और अपडेट के केस में आपको पुराने वाले से माइनस करना होगा और नए वाले पे ऐड करना होगा। राइट, वो लॉजिक पे डिपेंड होती है अपडेट। हां, तो ये लॉजिक आपको आपको लिखना पड़ेगा ये लॉजिक, और आपको ये सारे चेक्स लगाने होंगे कि ये तभी जब अपडेट के केस में चेक्स लगाना है कि जब अकाउंट अपडेट होने मतलब हो रहा है, मतलब अकाउंट की फील्ड चेंज हो रही तभी चले, चेंज पे ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपडेट हो गया चल गया, नहीं। और आपको ये चेक करना है कि हो, अब उसमें भी सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर कोई कॉन्टेक्ट है उसमें अकाउंट नहीं है, तो आप अपडेट कर रहे हैं तो पुराना अकाउंट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पुराना अकाउंट वाला भी लॉजिक आप चला रहे हो। राइट, क्योंकि पुराने में तो ब्लैंक है, ये चेक कर रहा हूं। ठीक है, और आप ये हो सकता है कि फिर आपने अपडेट किया तो आपने अकाउंट को ब्लैंक कर दिया। राइट, अकाउंट को ब्लैंक कर दिया तो केवल पुराने वाले से डिलीट होगा और नया वाला कोई अकाउंट तो आया ही नहीं, तो उसपे कुछ उसपे कोई लॉजिक चलेगा नहीं। तो ये सारा चीज देखना है। राइट, ठीक है, ठीक। मैंने वैसे बना रखा है, अगर दिक्कत होगा तो मैं लॉजिक भेज दूंगा। ठीक है, मैंने सर भी खुद ट्राई कर लेंगे उसको कंप्लीट करके, पर हां अगर नहीं होता तो। सर मेरे को एकदम समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें। अच्छा, समझ नहीं आया। जैसे ये अकाउंट है सर, ठीक है ना, अमित नाम का एक अकाउंट है, यहाँ पे मैंने ना टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट एक फील्ड बना रखा है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब कॉन्टेक्ट इसके अगेंस्ट इंसर्ट हो तो यहाँ पे काउंट वन आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्टेक्ट इंसर्ट किया यहाँ पे। ओके, मतलब अकाउंट में आपने कोई फील्ड क्रिएट किया अकाउंट। ओके, जैसे ही कॉन्टेक्ट क्रिएट किया आपने, काउंट वन हो गया। आप ये पता नहीं लॉजिक चल रहा, मेरा ट्रिगर चल रहा है कि वो देखना होगा, लेकिन आई थिंक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? ये तो इरफान का स्क्रीन है शायद। अच्छा, ठीक है, मैं स्टॉप कर।
तो मैंने अगर ये मेरा अकाउंट है और उसके अगेंस्ट मैं अगर कॉन्टेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे काउंट वन आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्टेक्ट इंसर्ट करूंगा तो काउंट टू हो जाना चाहिए। तो ये तो एक मेरा, फिर मेरा क्या चला, मेरा जो इवेंट हुआ कॉन्टेक्ट पे, सॉरी जो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ वो कॉन्टेक्ट पे चल, कॉन्टेक्ट रहेगा। जो मेरा इवेंट है वो आपका आफ्टर होगा और जो मेरा ऑपरेशन है वो इंसर्ट होगा। तो पहला तो ये है। अब दूसरा सिनेरियो है कि मैं कॉन्टेक्ट को मैं डिलीट कर दूंगा तो भी तो काउंट अपडेट होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो मेरा अब दूसरा है, इवेंट है आफ्टर ऑपरेशन डिलीट। तीसरा सिनेरियो है कि मैं इस कॉन्टेक्ट पे जाके अकाउंट को ब्लैंक कर दो या किसी और अकाउंट को डाल दो तो भी तो चलेगा ना, फिर तो भी तो काउंट, मैं फॉर अभी एग्जांपल अमित था, मैं दूसरे अकाउंट को डाल दो तो पुराने वाले अकाउंट से काउंट माइनस हो जाना चाहिए और इस अकाउंट पे प्लस हो जाना चाहिए, तो प्लस अपडेट के केस में भी तो चलेगी। तो तीसरा इवेंट हो गया आफ्टर, ऑपरेशन हो गया अपडेट, समझ आया? हेलो, आपका आपका डेटा सही तभी रहेगा ना जब आप ये पूरे पूरे सिनेरियो को मेंटेन करोगे, राइट? अगर मैं न्यू केवल आफ्टर इंसर्ट में लॉजिक को चला रहा तो ठीक अकाउंट सही आएगा, लेकिन मैं इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट दिखेगा और यहाँ पे हो सकता है तीन पहले से काउंट रहे, राइट? तो ये डेटा सही नहीं है ना, समझ आया? हेलो अनिल सर, आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही सर, आवाज आ रही है अनिल सर। आपके तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। आई थिंक अनिल, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? जी जी आपकी, ठीक ठीक है, समझ आ गया अनिल सर। आई गेस आपके तरफ से नेटवर्क इशू, ठीक है। तो आज का सेशन वैसे 10 बजे चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक और डाउट है मेरा। हाँ सर, सर सर डाउट मेरा भी क्लियर नहीं हुआ सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर। हाँ हाँ बोलिए सर। ये जो आपने बोला कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स, तो ये चीज मेरे को बार बार ये डाउट होता है करते वक्त कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कॉन्टैक्ट, तो ये आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि मुझे मेरा पहले रिक्वायरमेंट समझिए, सॉल्यूशन पे बाद में जाते हैं। रिक्वायरमेंट समझिए कि मुझे अकाउंट पे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट जितने भी कॉन्टेक्ट है उसका काउंट चाहिए अकाउंट पे, ठीक है। अकाउंट लेवल पे मुझे काउंट चाहिए टोटल कॉन्टेक्ट का, तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं मतलब जब भी सिस्टम में मतलब उसके मतलब कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट आए उस अकाउंट के अगेंस्ट, तो मुझे अकाउंट पे काउंट अपडेट करना है, ठीक है। तो अब मैं सोचूंगा कि जो ट्रिगर चल रहा है किस पे चलेगा। सबसे पहले तो ये सोचना है कि किस ऑब्जेक्ट पे चलेगा। तो मेरा तो सिस्टम में कॉन्टैक्ट आएगा तभी तो अकाउंट पे काउंट बढ़ेगा, राइट? मतलब डीएमएल के बेसिस पे आप सब सिलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, डीएमएल के बेस पे, राइट? डीएमएल के बेस पे, राइट? रहा सीनार डीएमएल, तो डीएमएल के बेस पे, हाँ बोल सकते हैं कि डीएमएल के बेस पे, ठीक है। अकाउंट मतलब अकाउंट पे डीएमएल होगा तो थोड़े ना मतलब हमें मतलब कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, राइट? कॉन्टैक्ट तभी मिलेगा जब कॉन्टैक्ट इंसर्ट होने आ रहा है, अपडेट होने आ रहा है या डिलीट होने आ रहा है, राइट? तो पहले हाँ बोल सकते हैं एक तरीके से कि डीएमएल के बेस पे हमें डिसाइड करना है कि किस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल हो रहा है उस पर मैं ट्रिगर लिखूंगा, क्योंकि ट्रिगर तो डीएमएल पे ही फायर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डीएमएल चलता है। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करना है किस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल होगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट मैंने डिसाइड कर लिया, अब मुझे ऑपरेशंस डिसाइड करना कि किस ऑपरेशंस पे चलेगा। तो ऑब्वियसली इंसर्ट होगा तो चलेगा, इंसर्ट अपडेट और डिलीट तीनों पे चलेगा। अब इसमें आपको डिफाइन करना है कि इवेंट क्या रहेगा, इवेंट क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली आफ्टर ही रहेगा, क्योंकि आफ्टर इंसर्ट होने मतलब कमिट होने के बाद ही मुझे मैं काउंट अपडेट करूंगा ना, तो आफ्टर ही होगा ना, बिफोर पे मैं कर नहीं सकता हूँ।
कि बिफोर कॉन्टैक्ट इंसर्ट करो और उस पे अकाउंट काउंट बढ़ा दो बिफोर कॉन्टैक्ट के इंसर्ट पे, राइट? बिफोर पे तो मैं काउंट नहीं बढ़ा दूंगा ना, जब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे चीजें अपडेट करनी है कुछ, तो आप जिस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिख रहे हो उसको आफ्टर में लिखो, मत आफ्टर में ये चीज करोगे, आफ्टर में ही करोगे। क्योंकि अगर मान लीजिए बिफोर इंसर्ट में कुछ इश्यू आ गया लेकिन उसके आपने लॉजिक लिखा है उस पर अपडेट हो गया जाके, कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ ही नहीं लेकिन अकाउंट पे काउंट अपडेट हो गया अगर आपने बिफोर में किया है, राइट? ठीक है, तो ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आप सिनेरियो सोचोगे कि ये अब ऑपरेशन डिसाइड करने के लिए आपको सिनेरियो सोचना होगा, तभी तो आप ऑपरेशन डिसाइड करोगे कि इंसर्ट पे भी चलना है, अपडेट पे भी चलना है, डिलीट पे भी चलना है। अब मैं डिलीट का ऑपरेशन क्यों ले रहा, मैं सिनेरियो सोचा कि अगर कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएगा तो भी तो काउंट अपडेट होना चाहिए ना, कम हो जाना चाहिए ना, राइट? तो सिनेरियो के बेस पे मैं ऑपरेशन डिसाइड करूंगा, राइट? ठीक है, राइट। तो ये है, ओके। सो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बेसिकली एक डाउट है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूं। हाँ करो, एक मिनट। जो नंबर 4 था इसपे, सबसे पहले तो इसमें जो ट्रिगर मैंने इवेंट दिया है वो आफ्टर होगा, राइट? क्योंकि अपडेट करना है कॉन्टेक्ट को, ओनर को कॉन्टेक्ट के। कौन सा वाला, कौन सा है, कौन सा सीन है, कौन सा असाइनमेंट है? ओनर जो अपडेट करना है अकाउंट का, जो ओनर चेंज होता है तो कॉन्टेक्ट का भी ओनर अपडेट करना है, रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स। अकाउंट एक बार फिर क्या, एक बार असाइनमेंट खोलोगे क्या? मुझे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा फोर्थ नंबर, राइट? ट्रिगर इफ द ओनर ऑफ एन अकाउंट इज चेंज देन द ओनर ऑफ द रिलेटेड कॉन्टैक्ट शुड आल्सो बी अपडेटेड। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है, जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट आया कि मुझे अकाउंट का ओनर जब अपडेट हो तो उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट है उसको उसके ओनर भी अपडेट करने हैं। तो सबसे पहले मैं DML किस पे चलेगा, अकाउंट पे चलेगा, तो मैं ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि अकाउंट का ओनर अपडेट होना है तब मुझे कुछ करना है। तो ऑब्वियसली मैं जो ट्रिगर लिखूंगा, उसका ऑब्जेक्ट अकाउंट होगा। अब मुझे ऑपरेशंस डिसाइड करने के, किस ऑपरेशंस कौन सा सेलेक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली ओनर अपडेट हो रहा है तो अपडेट, ऑब्वियसली अपडेट चलाऊंगा मैं। अब मुझे इवेंट डिसाइड करना है कि कौन सा इवेंट, बिफोर लूंगा या आफ्टर लूंगा। तो सिंपल है कि मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट को, रिलेटेड ऑब्जेक्ट को, मतलब पे लॉजिक चलाना है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट पे DML करना है, तो ऑब्वियसली मैं आफ्टर में उसको लेके जाऊंगा, क्योंकि जब अकाउंट का ओनर अपडेट हो तभी कॉन्टैक्ट का हो। अगर बिफोर में चला दूंगा तो हो सकता है कि बिफोर अकाउंट में कुछ इशू आ गया लेकिन कॉन्टैक्ट का ओनर अपडेट हो गया, राइट? हाँ, तो इसमें क्या है? मैंने, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि आफ्टर होगा। इसमें आफ्टर में मैंने कंडीशंस कुछ लगाई है। एक तो मुझे ये इशू आ रहा है, सम कॉन्टैक्ट्स कैसे चेक करेंगे नल है कि नहीं है, क्योंकि इधर हम क्यूरी कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट को, जब अकाउंट के ऊपर हम कॉन्टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर हम नल का चेक कैसे लगाएंगे, ये लगाया लेकिन ये एरर दे रहा है। आई थिंक, आई डोंट नो, सिंटैक्स का इशू है या एरर क्या है अभी तो एरर नहीं लगाया, मैं इसको डिसेबल कर दिया है। स्टार्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक क्यों लगाया है? ओबीजे अकाउंट डॉट कॉन्टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक क्यों है? स्ट्रिंग नहीं है ना वो? चलो एक बार सेव करो, सेव करके एरर देखता हूँ पता चलेगा।
क्या एरर है? सेम नहीं हुआ अभी। ओके ओके ये है कंपैरिजन आर्गुमेंट कंपैटिबल लिस्ट एंड स्ट्रिंग। तो आप देखो, आप लिस्ट को आप स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हो, सिंगल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, तो ये बोल रहा है कंपैरिजन जो आर्गुमेंट होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ओबीजे अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट क्या है? ये लिस्ट रिटर्न करेगा, राइट? रिटर्न लिस्ट, और आप लिस्ट नॉट इक्वल टू वो कर रहे हो सिंगल कोट्स, तो स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आप नल चेक लगाया वो ठीक है, वो हो गया, अब बस ये काफी है। ज्यादा आपको करना है तो साइज का चेक लगा सकते हो, ओबीजे कॉन्टेक्ट ओबीजे अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब दूसरा जो एक है कि ओनर आईडी मैंने सेट में ले लिया है, इसके थ्रू जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है अभी वो यही आ रहा है कि कॉन्टेक्ट लेना है। अगर कॉन्टेक्ट मल्टीपल कॉन्टेक्ट होके लिस्ट होगा राइट, जो रिटर्न करेगा न्यू मैप, तो मैंने इसके ऊपर भी लूप लगाया है, लेकिन इसमें भी मुझे जो चेक लगाया है मुझे इसमें एरर दे रहा है। कॉन्टेक्ट में अगर लिस्ट चेक करता हूँ इस एम्प्टी। नहीं नहीं देखो, ये तो सिंपल है, इसमें आपको मैप वैप लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सिंपल है, आपने क्या किया, आप अकाउंट पे ट्रिगर चलाया राइट। अकाउंट पे ट्रिगर चलाने के बाद आपने क्या किया है कि वहाँ, अच्छा ऊपर से भेज रहे हो आप एलएसटी आईडी, और आपने अकाउंट अकाउंट पे क्वेरी मार दी, और आपके उस आपने उससे रिलेटेड कॉन्टेक्ट निकाल लिया राइट। तो सिंपल आप इस पे लूप चला के आप आपका अकाउंट को ऑनर आईडी साइन कर देना, सिंपल। आपको ऑनर आईडी तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। कॉन्टेक्ट कैसे, क्योंकि मल्टीपल कॉन्टेक्ट होंगे लिस्ट होगा, तो वो कैसे हम असाइन करेंगे किसी सेट के अंदर, तो आगे हम बात करेंगे किसी फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट रुको सर, इसमें इस तरह तो कर सकते हैं ना, जैसे अपने अकाउंट पे लेने के बाद कॉन्टेक्ट पे क्वारी सोकल क्वारी लिखेंगे, जहाँ की आईडी जो होगा हमारा अकाउंट आईडीज में होगा, और उसके बाद वो आईडी लेके ऑनर अपडेट कर देंगे डायरेक्ट। हाँ, इन्होंने क्वेरी इनर क्वेरी मार दिया है ना, अंदर में इनर क्वेरी मार दिया है ना, ये इनर क्वेरी आपका है ये। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्ट आईडी है। अब ये इनर क्वेरी की भी लिमिट होती है, तो इनर क्वेरी चलो यूज किया है ठीक है, इनर क्वेरी की भी लिमिट होती है आई गेस, अगर ये 200 से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं देते इनर क्वेरी में। तो इसमें अगर मैं सिम मैं इसको हटा रहा हूँ इसको, ठीक है पूरा, ये तो सिंपल है, आप बस लूप चला दो। मैं अभी चेक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप सिंपल आप लूप चला दो, कॉन्टैक्ट ओबीजे कॉन्टैक्ट कोलोन ओबीजे अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट, मतलब एक अकाउंट आया उसके अगेंस्ट कितने कॉन्टैक्ट आ गए, हमें सिंपल ओबीजे कॉन्टैक्ट डॉट ऑनर आई डी इक्वल टू ओबीजे अकाउंट डॉट ऑनर आई डी, सिंपल हो गया ना, ये तो इतना ही होगा ना, ये और क्या करना है। और इसको आप लिस्ट में ऐड, लिस्ट में इस ओबीजे कॉन्टैक्ट को लिस्ट में ऐड कर लो, और इन बाहर जाके आप वो कर अपडेट कर दो, समझ आया? ओके, तो सिंपल इस कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट जितने कॉन्टैक्ट आ रहे हैं आपने, आप ये लूप कितनी बार चल, जितने कॉन्टैक्ट आए, लेकिन ये कॉन्टैक्ट किसके अकाउंट के ही तो है ये, तो आपको तो अकाउंट के अगेंस्ट ही तो लूप चल रहा है, तो अकाउंट के तो ऑनर आई डी मिल ही रही है ना आपको। ओके ओके समझ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम ट्रिगर्स भी पूरा खत्म कर चुके हैं। बस इसमें है कि जितना आप सिनेरियो कवर कर, जितना सिनेरियो लेके आप कोडिंग करोगे जितना, तो उतना लॉजिक आपस वो हो जाएगा, क्लियर होते रहेगा। जितना सिनेरियो सोचोगे
आपको उसके बेस पे आप कोडिंग करोगे तो लॉजिक्स क्लियर होते जाएंगे. एपेक्स एपेक्स बेसिकली अगर एपेक्स पे स्ट्रांग होना है तो मतलब लॉजिक्स में स्ट्रांग, मतलब एपेक्स में क्या लॉजिक में स्ट्रांग होना है तो ट्रिगर, आप ट्रिगर आपका मेन, आप बोल सकते हैं कि ट्रिगर आपका मेन है. आप वहां से उसको यूज कर करके आप देख सकते हैं. अच्छा सर, ये चीज जो है, जैसे मतलब जो प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका होना चाहिए, जैसे इन्होंने इरफान जो लिखा है ना, वो मतलब काफी अच्छा है। ये मैंने भेजा है अच्छा ना, मैंने भेजा था ना ग्रुप में ये चीजें, आपने शायद देखा नहीं, मैंने टेम्पलेट भेजा था फाइल्स, उसी को तो इम्प्लीमेंट किया है, मैंने सर देखा नहीं है। मैंने भेजा था ग्रुप में, उसी दिन भेजा था. ठीक है, ओके. तो आज का सेशन कर लेते हैं और आधा घंटा और करते हैं और स्टार्ट करते हैं. बेसिकली मैं बैच क्लास पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन बैच क्लास से पहले हम कुछ चीजें देखते हैं. अच्छा, जो आपने टेक्स्ट फाइल भेजा वही है क्या सर? हाँ, मैंने उस पिछले क्लास मतलब पिछले सैटरडे संडे में भेजा था, हाँ, 4 सितंबर को देखा था। ओके ये सारा टेम्पलेट भेजा था, ट्रिगर का, ट्रिगर हैंडलर का, कॉमन क्लास का, तीन तीन फाइल मैंने भेजे होंगे. अच्छा, ठीक, मैंने देखा नहीं। तो मतलब जितना भी हम अभी लॉजिक लिखेंगे सब उसके अंदर ही लिखेंगे, ट्रिगर ट्रिगर हैंडलर हैंडलर अकॉर्डिंग। में, ट्रिगर हैंडलर में लिखेंगे, राइट. ओके ठीक, कॉमन कोई मेथड लगता है कि कॉमन लॉजिक है तो आप उसको किसी कॉमन क्लास में रख दो ताकि हर कोई यूज कर पाए उसको. ओके। ठीक है, एक मिनट मुझे दे दीजिए, बस एक मिनट, मैं बस पानी पीकर आ गया. ठीक है, सो आज हम देखते हैं सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस. सिंक्रोनस क्या है, असिंक्रोनस क्या है, और ये भी हर इंटरव्यू में, आई गेस अगर आप लोगों इंटरव्यू दिए होंगे तो ये भी आपसे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, मतलब ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो सिंक्रोनस अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, सिंक्रोनस समटाइम्स रेफर टू एज सिंक एंड असिंक्रोनस ऑल्सो नोन एज असिंक आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स. सो सिंक्रोनस इज नोन एज ए ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो अदर ऑपरेशंस ब्लॉक रहते हैं, आपको वेट करना होगा. अगर कोई ऑपरेशंस मतलब चल रहा है तो बाकी और ऑपरेशंस तभी चलेगा जब ये कंप्लीट होगा. सो द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट टास्क ट्रिगर द नेक्स्ट एंड सो ऑन. मीन्स सिंक्रोनस कहने का मतलब है कि टास्क जो है सिक्वेंशियली में एग्जीक्यूट होगा. एक मतलब पहले टास्क का रिजल्ट दूसरे टास्क के स्टार्ट को मतलब ट्रिगर करेगा, मतलब दूसरा टास्क तभी स्टार्ट होगा जब पहले का रिस्पांस आ चुका होगा, राइट. फॉर एग्जांपल कि हमेशा हम देखते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में, जब भी आप पेमेंट करते हो, जब भी हम पेमेंट करते, वेन एवर वी डू पेमेंट थ्रू एनी पेमेंट गेटवे, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो वहां पे स्क्रीन होल्ड रहता है, वो बोलता है कि कोई रिफ्रेश मत करो, अगर रिफ्रेश करोगे तो फिर आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा. मतलब वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है कि मेरा पैसा कटा या नहीं कटा, वो वेट कर रहा, पूरा पेमेंट गेटवे से रिस्पॉन्स ला रहा होता है, तो वहां पे वेट करना होता है तभी हम दूसरे स्क्रीन पे जा पाएंगे. तो हमेशा ये सिंक्रोनस का, अगर देख, सिंक्रोनस का मतलब है कि एक टास्क कंप्लीट होगी तभी दूसरा स्टार्ट होगा. जैसा हम रियल लाइफ में हमेशा देखते हैं, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो जब वो स्क्रीन आती है पेमेंट होने के बाद, पेमेंट जब कट जाती है तो वेट करने के लिए बोलता है कि वी हैव प्लीज वेट ऑन दिस स्क्रीन, प्लीज डोंट रिफ्रेश, क्योंकि वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है. अब रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है,
जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाती है तब तक वो दूसरे स्क्रीन पर मूव नहीं करता है, तो डेट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, जो आर्किटेक्चर है दूसरे ऑपरेशंस को ब्लॉक करके रखा है। तो और क्या बोल सकते हैं आप, अगर आप देखो कोई भी अगर आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन अगर आप सेल्सफोर्स में देखो तो कोई बटन क्लिक करते हो और सेव बटन पे क्लिक करते हैं और उस पर कुछ लॉजिक चल रहा है, लॉजिक चलने के बाद मुझे कुछ डेटा डिस्प्ले करना है, तो जब तक लॉजिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरे स्क्रीन पे हो क्या बोलते हैं उसको, लोडिंग चलते रहती है। तो लोडिंग चलते रहती मतलब यूजर को वेट करना होता है कि जब तक लॉजिक चल के रिस्पॉन्स ना आ जाए तब तक कुछ दिखता नहीं है। तो डेट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कि वी हैव टू वेट फॉर वन टास्क टू फिनिश टू स्टार्ट अनदर। बट असिंक्रोनस क्या है? असिंक्रोनस इज ए नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर विच मीन्स इट डज नॉट ब्लॉक फर्दर एग्जीक्यूशन वाइल वन और मोर ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। बट असिंक का मतलब है कि वो किसी भी टास्क को ब्लॉक नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट चलता है, बैकग्राउंड में चलता है, और उसका जो उसका उसका वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी दूसरे टास्क को। असिंक्रोनस अपना इंडिपेंडेंट मोड में चलता है। मीन्स विथ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मल्टीपल रिलेटेड ऑपरेशंस कैन रन कॉन्करेंटली विदाउट वेटिंग फॉर अदर टास्क टू कंप्लीट। मतलब अगर हमें कॉन्करेंटली बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम असिंक्रोनस बोलते हैं। तो हमें असिंक्रोनस टेक्निक्स अपनाने चाहिए। अगर हमें एक टास्क का डिपेंडेंसी दूसरे टास्क पे है तो हमें सिंक्रोनस टेक्निक यूज करना चाहिए। और हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में देखेंगे, इफ यू सी इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, जितने भी आप सॉफ्टवेयर से जितने भी इंटरफेस से जितने भी एप्लीकेशन से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, दीज आर बोथ द मिक्सचर ऑफ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कहीं पे सिंक्रोनस चल रहा है तो कहीं पे असिंक्रोनस चल रहा है और दोनों मिक्स भी चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि वो पेमेंट गेटवे क्या करता है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकालता है और उसको अगर उसका सब कुछ प्रोसेसिंग सही होता है तो वो रिजल्ट यूजर को देता है जो कस्टमर पे कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। जो हमने बताया कि हमें वेट करना होता है कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, वो पेमेंट गेटवे प्रोसेस कर रहा होता है। तो वो जो लॉजिक चल रहा है पेमेंट गेटवे के पास, राइट, वो सिंक्रोनस मोड में है। लेकिन इन द बैकग्राउंड पेमेंट गेटवे सिस्टम में बहुत सारे चीजें भी चल रहे होंगे। वो क्या कर रहा होगा, जो पैसा उसने काटा उसको मर्चेंट अकाउंट में भी डालना है, मर्चेंट अकाउंट को भी भेजना होता है। पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट को भी भेजता है। फॉर एग्जांपल ये आपने हमारा कोर्स परचेज किया, पेमेंट किया है, तो पहले पेमेंट गेटवे के पास गया और जब आप पे कर रहे होंगे तो पेमेंट गेटवे आपके अकाउंट से पैसा काट के आपको रिस्पॉन्स दिया, उतने देर तक आपको वेट करना होता है। लेकिन इन द बैकग्राउंड बहुत सारे चीजें वो कर रहा होता है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसके ऑपरेशन से आपको कोई मतलब नहीं, उसके लिए आपको वेट नहीं करना। वो पीछे क्या क्या कर रहा है, वो कुछ ऑपरेशन रन किया जो मर्चेंट अकाउंट में भेजना है उसको पैसा अपना प्रोसेसिंग करके, तो डेट इज कॉल्ड असिंक्रोनस। वो बाद में चलता है या उसी टाइम पे चलाया लेकिन वो अलग से चलेगा, बाद में चलेगा, उसको कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। कस्टमर को वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि मैंने मर्चेंट अकाउंट में कितना पैसा डाला, हो सकता है मेरा बीच में कुछ कमीशन है और मैं काट के मैंने मर्चेंट अकाउंट को दिया, तो उसको कस्टमर का तो पूरा पैसा जा रहा है, तो कस्टमर को तो उतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका पैसा कटा या नहीं कटा, सक्सेसफुल या नहीं हुआ। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, तो जहां हमें लगता है कि कुछ ऑपरेशन को उस टाइम पे जरूरत नहीं है तो हम उसको असिंक्रोनस कर सकते हैं। मीन्स असिंक्रोनस करने से हो सकता है हो जाएगा कि जो प्रोसेसिंग टाइम है
कम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर वो पेमेंट गेटवे सब चीज कर रहा होता तब कस्टमर को रिस्पांस देगा कि वो पहले पेमेंट आपका काटेगा बैंक अकाउंट से, फिर प्रोसेस करेगा अपने अकाउंट में डालेगा, फिर अपने अकाउंट से प्रोसेस कर रहा है, फिर मर्चेंट अकाउंट में डालेगा, फिर जाके आपको रिजल्ट दे रहा है। कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो दैट इज नॉट द राइट वे। सो वहां पे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मिक्सचर है, वो मिक्सचर है। इन द बैकग्राउंड बहुत सारे चीजें। अब आप देखो कि अभी तक आपने सेल्स फोर्स में हमने असिंक्रोनस नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें असिंक्रोनस चल रही होती है, वो हम देखेंगे कि सेल्स फोर्स में अगर हमें चीजें असिंक्रोनस चलाना है, एपेक्स में अगर हमें असिंक्रोनस चलाना है, तो क्या 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 फीचर्स है सेल्स फोर्स के, एपेक्स क्या फीचर्स है। तो हो सकता है कि अभी जिस एप्लीकेशन पे आप लोग काम कर रहे हैं सेल्स फोर्स के अंदर, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो रहे हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें असिंक्रोनस चल रही होगी, आपको पता नहीं होगा। आपको उतनी चीजें दिखती होंगी जो स्क्रीन पे आनी है, जो कस्टमर को एंड यूजर को देखना होता है, तो वो सिंक्रोनस है। लेकिन इन द बैकग्राउंड बहुत सारी चीजें असिंक्रोनसली चल रही होती है। सो कब चूज करना है सिंक्रोनस, और ये सवाल हमेशा ये इंटरव्यू का हॉट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या है। तो आई होप समझ आया, एग्जांपल भी मैंने दे दिया, समझ आया राइट। हाउ टू चूज कि आपको सिंक्रोनस में जाना है असिंक्रोनस में जाना, कैसे चूज करोगे, हाउ विल यू चूज। सो कहने का मतलब है, डू यू वांट द स्टार्ट ऑफ एन ऑपरेशन टू बी डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ अनदर ऑपरेशन, और डू यू वांट टू इट रन इंडिपेंडेंटली। अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पर डिपेंडेंट है, देन यू विल गो फॉर सिंक्रोनस। अगर नहीं ऐसा रिक्वायरमेंट है तो आप इंडिपेंडेंट उस ऑपरेशन को रन कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप अगर रियल टाइम अगर अभी एग्जांपल लो, तो अभी जो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, दिस इज सिंक्रोनस, सिंक्रोनस है। मैं आपको 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 स्क्रीन मतलब हम लोग जूम पे कनेक्ट हुए, जूम में स्टार्ट हुआ आपको, फिर जूम में स्टार्ट होने के बाद मैंने स्क्रीन शेयर किया, फिर मैंने कुछ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया, पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक के बाद एक टास्क चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कहीं पे और जा पे बैकग्राउंड में और चीजें हो सकता है कि आप बैकग्राउंड में अगर क्या बोलते हैं बैकग्राउंड में अगर और चीजें कर रहे हैं ना, तो आपका सिंक्रोनस चल रहा है, इस पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। लेकिन जब आप मेरा जाके जब ये लाइव बैच खत्म हो जाएगा, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियोज मिल जाते हैं, तो आप उसको किसी भी टाइम में देखो। डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस लाइव, कि आप डिपेंडेंट नहीं हो, कि टाइम डिपेंडेंट नहीं हो। अब जितना चीजें मैंने पढ़ाई है, आप जाके उसको अपने फ्री टाइम में देखो, आधा देखो, कम देखो, ज्यादा देखो, पूरा देखो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो डेट इज असिंक्रोनस। तो रियल टाइम अगर देखोगे तो सिंक्रोनस असिंक्रोनस, मतलब सिंक्रोनस विल हैपन एट द सेम टाइम, असिंक्रोनस विल हैपन एट द लेटर टाइम, वॉट एवर टाइम सूट्स यू। असिंक्रोनस का मतलब ये होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बताऊं, तो मैंने आपको पेमेंट गेटवे का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आप जाके देखोगे प्रोग्रामिंग में, तो आपको डे टू डे हम वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सो अगर इन टर्म्स अगर हमें सेल्सफोर्स एपेक्स में अगर ये समझना है, तो फॉर एग्जाम्पल एक ये मेथड है पब्लिक वाइड एग्जाम्पल, और मैंने इसमें एक डिबग स्टेटमेंट चलाया, आई रन सिस्टम डॉट डिबग, और मैंने वन प्रिंट कराया। फिर मैंने कॉल मेथड एक है यहाँ पे डिफाइन किया, उसको कॉल किया है, और इसमें एक डिबग स्टेटमेंट है टू, फिर मैंने तीसरा डिबग स्टेटमेंट डाला है थ्री। तो इसका अगर इस एग्जांपल मेथड को कॉल करूं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैन एनी वन टेल? ये तो बहुत सिंपल है, मतलब क्या आउटपुट आएगा अगर मैं इस एग्जांपल मेथड को कॉल करूंगा, तो क्या आउटपुट आएगा? एग्जांपल सबसे पहले वन आएगा, उसके कॉल मेथड आपका कॉल होगा, कॉल मेथड में टू है, टू आएगा, उसके बाद थ्री आएगा, राइट, वन टू थ्री आएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस, सिंक्रोनस है, वन आया, टू आया, थ्री आया। ऐसा तो नहीं कि पहले वन आ जाएगा, पहले वन आया फिर पहले थ्री आ जाएगा, टू से पहले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इस किस
कॉल कर लो, आप बार बार कॉल कर लो, हजार बार कॉल कर लो, ये 1, 2, 3 ही देने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस कि ये इस मेथड का एग्जीक्यूशन इसके ऊपर डिपेंड है, पहले ये खत्म होगा तब ये चलेगा, फिर ये मेथड खत्म होगा तब ये चलेगा। तो आप समझ रहे, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस। लेकिन अगर आपको इसको, अगर आपको आउटपुट चाहिए 1, 3, 2, आप बताओ क्या करोगे, व्हाट विल यू डू 1, 3, 2 के लिए? तो कॉल मेथड को system.debug 3 है ना, उसके नीचे डाल दूंगा। नहीं तो फिर तो सिंक्रोनस ही रहा, मुझे इसी सीक्वेंस में रखना है, फिर तो सिंक्रोनस ही रहा ना, वो तो 1, 3, 2 इसको यहाँ डाल दो तो सिंक्रोनस ही रहा ना, वो तो सिंक्रोनस ही है, मुझे इसी सीक्वेंस में कॉल करना है, लेकिन आउटपुट डिफरेंट आना चाहिए, 1, 3, 2 डिफरेंट आना चाहिए। फ्यूचर मेथड बना देंगे कॉल मेथड को। ओके, फ्यूचर मेथड बना देंगे। ओके, फ्यूचर मेथड तो बात की बात है, फ्यूचर तो चलो ठीक है, आपने एग्जाम सही दिया है, आंसर तो सही है। वन आपको चाहिए, जितना मैंने अभी समझाया है उसके बेस पे आप क्या 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 कि ये इसका जो आउटपुट है ना, इस पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको मैं, इस मेथड को मैं असिंक्रोनस बना दूंगा, असिंक बना दूंगा। तो सिंक में क्या चलेंगे, पहले 1, 3 ये बाद में। अच्छा, हाँ, 2 आपका चल जाएगा, सही बात है, करेक्ट। तो मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं, मतलब 1, 3 आप बोल रहे हैं कि 1, 3 आपका एक सेपरेट प्रोसेस चलेगा और कॉल मेथड एक आपका सेपरेट चलेगा, वही बोल रहे हैं ना? हाँ, मतलब ये इसको मैं हटा दूंगा बीच से। हाँ भैया तुम बाद में चलो। अच्छा, ये बाद में चलेगा, ये बाद में चलो, और 1, 3 एग्जीक्यूट होगा, ये बाद में सेपरेट चल जाएगा, मतलब एक सेपरेट थ्रेड स्टार्ट हो गया यहाँ से इसका। तो और इसी को हम बोलते हैं असिंक्रोनस। हम चाह हो सकता है हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं कुछ, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि मैं इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं इस मेथड में कुछ ऐसे चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ जो एंड यूजर को नहीं दिखना है अभी, मतलब उस टाइम पे उसको जरूरत नहीं है, उस टाइम पे उस जो इन्फॉर्मेशन मैं उसको दिखा रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन का डिपेंडेंसी इस मेथड के लॉजिक में, मतलब लॉजिक पे डिपेंड नहीं कर रहा अभी, राइट? तो मैं इसको क्यों रखूंगा, मैं इसको, मतलब इसको बाद में चलाऊंगा, बैकग्राउंड में चला दूंगा, ठीक है तुम बैकग्राउंड में चल जाओ। तो दिस इज कॉल्ड असिंक्रोनस। अब मैं इसको बैकग्राउंड में नहीं चलाऊंगा, अगर सिंक्रोनस रखा हूं तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहा है ये, मतलब बहुत प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ज्यादा है, तो टाइम लगेगा फिर यूजर के लिए, मतलब वेट करना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई वेब सर्विस कॉल कर रहा हूँ, API कॉल कर रहा हूँ, अब API कॉल कर रहा हूँ, उसका यूजर के रिस्पॉन्स, यूजर को जो चीजें दिखनी चाहिए उस पर डिपेंड, मतलब यूजर को मतलब नहीं है, बैकग्राउंड में चल गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा है पैसा, वो लॉजिक लिखा हुआ है, तो उसको मेरे से कस्टमर को मतलब क्या है? तो ये समझ लीजिए वो मेथड यही है कि मैं इस मर्चेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, कुछ लॉजिक लिखा हूँ, तो मर्चेंट अकाउंट को मैं कितना ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको कस्टमर से, एंड यूजर को कोई मतलब नहीं है उससे, राइट? एंड यूजर को तो मतलब है कि मैंने जितना पेमेंट किया भैया उसका सक्सेस और एरर दिखा दो, हुआ या नहीं हुआ, कटा क्या। तो मैं इसको बीच से गैप कर दूंगा, मतलब बीच से गैप कहने का मतलब इसका सेपरेट चला दूंगा। तो दैट इज पॉसिबल थ्रू असिंक्रोनस टेक्निक। एंड असिंक्रोनस टेक्निक किस तरीके से अचीव करते हैं, क्या फीचर्स है देखते हैं। हाउ वी अचीव असिंक्रोनस इन सेल्सफोर्स, बैच क्लास, शेड्यूल क्लास, फ्यूचर मेथड, जैसे इरफान ने एग्जांपल दिया था कि मैं इस मेथड को फ्यूचर बना दूंगा, तो फ्यूचर मेथड, क्यूएबल मेथड, कंटिन्यूएशन एक है, क्यूएबल के थ्रू कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन के थ्रू कर सकते हैं, बैच क्लास, शेड्यूल क्लास, फ्यूचर मेथड। अब ये एक एक क्या है मैं कल इसको स्टार्ट करूंगा, बैच क्लास क्या है, शेड्यूल क्लास क्या है, कल मैं ये होपफुली मैं कल ये खत्म कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा फ्यूचर मेथड भी हम कल खत्म कर दे, बाकी क्यूएबल कंटिन्यूएशन रहेगा। बेसिकली आपको कहीं आपको एक क्यूएबल तो सुना होगा, आई गेस कंटिन्यूएशन
ये भी नहीं पढ़ाते हैं कहीं भी, क्यूएबल कंटिन्यूएशन भी नहीं पढ़ाते हैं कहीं भी, किसी भी अपेक्स क्लास ट्रेनिंग में चले जाओ, मैंने नहीं देखा है क्यूएबल और कंटिन्यूएशन पढ़ाते हैं। सो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 टेक्निक्स हैं कि हम असिंक्रोनस कर सकते हैं। ठीक सर, एक पूरा कोड ही ले लीजिए जो भी, मतलब जनरली जो यूज होता है उसको ही एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा बैच क्लास वगैरह। हाँ कोड तो ठीक है, कोड तो ठीक है, लेकिन कोड से पहले हमें कंसेप्ट समझना होगा कि बैच क्लास होता क्या है। कोड भी करेंगे, बैच क्लास का कोड भी दिखाएंगे, लेकिन अब हाँ बेसिकली हमें समझना है कोड करने से पहले कि हमें बैच क्लास यूज क्यों करना है, शेड्यूल क्लास यूज क्यों करना है, फ्यूचर मेथड यूज क्यों करना है, क्यूएबल यूज क्यों करना है। अब मैंने बोला कि मुझे इसको असिंक्रोनस बनाना है। अब असिंक्रोनस बनाने के लिए क्या मैं बैच क्लास, अब मेरे पास 5 ऑप्शन है, मैं किस ऑप्शन में जाऊंगा तो भी डिपेंड करेगा कि मेरा सिनेरियो क्या है, राइट? तो करेक्ट। वो मुझे समझना होगा, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा कि इस टेक्निक्स में से कौन से टेक्निक पे जाओ, तो डिपेंड करेगा मेरे पास सिनेरियो क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक तो हम कल बैच और शेड्यूल क्लास पे स्टार्ट करेंगे। अब तो मैं इस यहाँ पे गवर्नर लिमिट्स के बारे में भी थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। गवर्नर लिमिट्स हम शुरू से मैंने बोला है कि व्हाट एवर ऑपरेशंस वी डू इन सेल्सफोर्स इन एपेक्स दैट ऑल एवरी ऑपरेशंस हैज गवर्नर लिमिट, कि जो चीजें भी हम कर रहे हैं वो गवर्नर लिमिट। अब गवर्नर लिमिट क्यों है, हम ऑलरेडी हमने बताया है कि अगर आप, मैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने हमेशा वो टेनेंट वाला एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप वैसे लॉज में रह रहे हैं और शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, पानी भी शेयर्ड है, वॉशरूम भी शेयर्ड है, किचन भी शेयर्ड है, तो अगर एक ही बंदा दिन सुबह गया रात भर किचन में रहा तो दूसरे लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, फिर एक क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट आएगा, रिसोर्स का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा तो वो जो लॉज में जो लोग रह रहे हो सही से रह नहीं पाएंगे, मतलब उनको एक क्या बोलते हैं कि एक ही बंदा मोनोपोलाइज कर रहा है, एक ही बंदा ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो जो उसमें जो लॉज में जो दूसरे लोग रह रहे हैं उनके फिर उनके लिए बेनिफिशियल हुआ ही नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। तो सेम सेल्स फोर्स भी क्या है, सेल्स फोर्स का जो सर्वर है शेयर्ड रिसोर्सेज है, शेयर्ड रिसोर्सेज है, अलग अलग कस्टमर्स उसको यूज कर रहे हैं, अलग अलग और यूज कर रहा है, तो जब शेयर्ड रिसोर्सेज जहां होता है वहां पर लिमिट भी होता है, जहां भी वेयर वेयर वी आर यूजिंग यूजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज लिमिट्स अप्लाइड होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं तीन भाई हूं और मेरे पापा ने मुझे एक ही कार दिया है, एक ही कार हम तीनों भाई के लिए दिया है। अब उसमें से क्या होता है कि अगर एक भाई पूरे पूरे यूज कर रहा है, वही यूज कर रहा है, 1 महीना 2 महीना वही लगातार रख रहा है, तो दूसरे भाई यूज ही नहीं कर पा रहे, हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर फैमिली सही से नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब जहां भी शेयर्ड रिसोर्स है तो वहां पर लिमिट अप्लाई होता है, भैया तुम इतने से इतने टाइम तक ही कार चलाओगे, तुम इसके लिए ये है, और कुछ भी अगर कोई ज्यादा चलाता है तो एक्सेप्शन आ जाएगा, तो मतलब एक्सेप्शन आने का मतलब रियल टाइम में लड़ाई हो जाएगी, तो ये है। तो गवर्नर लिमिट्स बेसिकली ये होता है, तो मैंने यही लिखा, एपेक्स रन्स इन अ मल्टी टेनेंट एनवायरमेंट, द एपेक्स रन टाइम इंजन स्ट्रिक्टली इनफोर्सेस लिमिट टू इंश्योर दैट एपेक्स कोड और प्रोसेस डू नॉट मोनोपोलाइज शेयर्ड रिसोर्सेज, कि मेरा एक और गया, दूसरे कस्टमर का और गया, तो मैं ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिया और तुम ज्यादा वो कम कर लिया, ऐसा नहीं होगा। फॉर दिस सेल्स फोर्स अप्लाइज अ लिमिट फॉर एवरी और दैट इज कॉल्ड गवर्नर लिमिट्स फॉर दिस, तो उसको हम गवर्नर लिमिट्स बोलते हैं। अब गवर्नर लिमिट्स भी सेल्स फोर्स में बहुत टाइप के हैं, मैं यहाँ पे आपको देखो, मैं ये हाई लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, ये सारी चीजें आपको याद नहीं रह सकती कि कितना लिमिट होता है, किसका कितना काउंट याद नहीं रहती है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाई लेवल पे क्या पर ट्रांजेक्शन एपेक्स लिमिट कितने टाइप का होता है, पर ट्रांजेक्शन क्या लिमिट है, पर ट्रांजेक्शन सर्टिफाइड मैनेज पैकेज लिमिट्स, लाइटनिंग प्लेटफॉर्म भी अपना लिमिट अप्लाई करता है, स्टैटिक एपेक्स लिमिट, साइज स्पेसिफिक एपेक्स लिमिट। तो मैंने यहाँ पे केवल पर ट्रांजेक्शन का यहाँ पे रखा है, पर ट्रांजेक्शन का मतलब कि एक ट्रांजेक्शन में क्या लिमिट है, जैसे मैंने इस मेथड का एग्जांपल दिया, दिस इज ऑल वन ट्रांजेक्शन, ये मेथड कॉल हुआ फिर इसके अंदर से ये डिपेंडिंग, ये अभी असिंक नहीं है, ये असिंक मेथड नहीं है, तो ये सारा एक ही ट्रांजेक्शन है, अगर असिंक होगा तो असिंक असिंक होगा तो दूसरा ट्रांजेक्शन बन जाता है, सेपरेट ट्रांजेक्शन कहलाता है,
असिंक का ये भी फायदा होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन का लिमिट रिसेट हो जाता है पर ट्रांजेक्शन नहीं, अब दूसरा वो असिंक के सेपरेट ट्रांजेक्शन में चलता है तो उसके लिए अलग लिमिट हो गया, मतलब पर ट्रांजेक्शन लिमिट है और मैंने एक ही ट्रांजेक्शन में एक और ट्रांजेक्शन मतलब सेपरेट कर दिया तो उसका लिमिट अलग हो गया, तो मैं लिमिट भी मेरे लिए बढ़ जाती है। पहले एक ही ट्रांजेक्शन में मैं सेम चीज को रन कर रहा था, मतलब बहुत सारे चीजों को रन कर रहा था, लेकिन उसमें से क्या कि मैंने बहुत कुछ को निकाल के अलग ट्रांजेक्शन में कर दिया तो मेरा लिमिट भी बढ़ गया क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन अब दो हो गया। तो जैसे अगर इसको एग्जांपल दूं तो जैसे टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज 100, जैसे हमने बार बार बात की है कि हम फॉर लूप में क्वेरीज नहीं यूज कर सकते, वी कैनॉट यूज क्वेरीज इन फॉर लूप। अगर आप फॉर लूप में क्वेरी चला रहे हो और 100 से ज्यादा रिकॉर्ड आ गए तो 100 बार क्वेरी चल जाएगी तो इट विल गिव एक्सेप्शन सिंक्रोनस में, लेकिन असिंक्रोनस में 200 है। तो हाउएवर की दिस दैट इज नॉट राइट वे टू कि हमें लूप, ऐसा हो सकता है कि हमने लूप में क्वेरी नहीं चलाई है लेकिन ट्रांजेक्शन एक इवेंट पे इतने सारे चीजें चल रहे हैं, बहुत सारे लॉजिक्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं और सबका क्यूमुलेटिव मिला के अगर 100 क्रॉस कर जाएगा तो भी लिमिट आएगा। कि मैं फॉर एग्जांपल अगर सिंपल में समझे कि मैंने अकाउंट इंसर्ट किया, अकाउंट के इंसर्ट पे एक ट्रिगर चल रहा है, ट्रिगर में बहुत सारे मेथड्स कॉल हो रहे हैं और उसमें हर एक मेथड्स में क्वेरीज लिखे हुए हैं, भले वो लूप के अंदर नहीं है लेकिन क्वेरीज लिखे हुए हैं जो रिक्वायर्ड है और वो क्यूमुलेटिव अगर 100 हो गए दैट विल गिव एन एक्सेप्शन। सो पहले अगर उसको ठीक है सिर्फ क्वेरी रिकॉर्ड है अगर हम सिर्फ क्वेरी भी कर रहे हैं तो भी इसकी लिमिट है 100। हाँ, क्वेरी मतलब कि मैंने जो क्वेरी लिखी है सिलेक्ट आईडी राइट फ्रॉम अकाउंट, मतलब ये लाइन 100 बार नहीं होनी चाहिए टोटल, समझ आया? इसका जो काउंट होगा जो रिटर्न होगा काउंट नहीं रिकॉर्ड काउंट नहीं, रिकॉर्ड काउंट इज डिफरेंट, रिकॉर्ड काउंट बिकॉज़ अगर इसकी ये लिमिट तो बहुत ही कम है क्योंकि इन रियल लाइफ में तो आपके पास डेटा तो बहुत बड़ा होता है सेट डेटा तो रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है ना। ये क्वेरी लिमिट का मतलब है कि आप स्टैटिक क्वेरी जो लिख रहे हैं रिकॉर्ड काउंट नहीं, रिकॉर्ड काउंट की लिमिट तो 50,000 है सिंक्रोनस में, ओके 50,000 है क्वेरी कितनी चल रही है, मतलब कहने का मतलब अकाउंट पे अगर अकाउंट से रिलेटेड आपने 10 क्वेरी यूज किया है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड 10 क्वेरी यूज किया है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड 10 क्वेरी यूज किया तो टोटल 30 हो गए। रिकॉर्ड काउंट इज डिफरेंट, रिकॉर्ड काउंट कितने काउंट आ रहे हैं उसका सम होगा, ये क्वेरी का काउंट मतलब मैंने स्टैटिक क्वेरी कितने लिखे हैं, समझ आया? लाइन कितने बार लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है राइट, असिंक्रोनस में 200 हो जाता है। तो अगर कहीं पे हमें लगता है कि कोड ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कोई भी तरीका नहीं है कोड ऑप्टिमाइजेशन का, तो कुछ कुछ ऑपरेशंस को ढूंढ के उसको असिंक में चला देते हैं राइट, क्योंकि उसको असिंक में चला देंगे तो लिमिट मेरा रिसेट हो जाएगा क्योंकि असिंक इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है, बैकग्राउंड में चलने लगता है, जब शेयर रिसोर्स अवेलेबल होता है तब चलता है। जैसे मैंने लाइव बैच का एग्जांपल दे कि जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखने जाओगे तो जब अपने टाइम के हिसाब से देखोगे, जब मर्जी होगा तब देखोगे, तो असिंक्रोनस भी तभी चलता है, एक तो सेपरेट चलने लगेगा और तभी चलेगा जब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं सेल्सफोर्स में। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड बाय एसक्यूएल क्वेरीज, वी ऑल नो कि जब हम किसी भी रिकॉर्ड पे क्वेरी कर रहे हैं तो 50,000 ही रिटर्न करता है और ये ध्यान में रखना है क्यूमुलेटिव है। अगर आपने एक लॉजिक लिखा है जिसमें अकाउंट पे भी क्वेरी चल रही है, अपॉर्चुनिटी पे भी क्वेरी चल रही है और अकाउंट से 25,000 रिटर्न आया और अपॉर्चुनिटी से 25,000 आया तो टोटल 50,000 काउंट होगा। वो ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट का है, उस ट्रांजेक्शन में जितने क्वेरी चल रहे हैं उसका जो उसके रिकॉर्ड जितने आ रहे हैं उसका टोटल सम क्यूमुलेटिव, ये भी ध्यान रखना है, समझ आया? तो हम कंट्रोल कैसे करते हैं नॉर्मल केस में, बिकॉज़ ये तो बहुत कम काउंट होता है। देख पहली बात की 50,000 से ज्यादा अगर हमें प्रोसेसिंग करना है तभी तो हम एसिंक्रोनस का यूज करेंगे ना।
तभी तो बैच क्लासेज है बहुत ज्यादा, अगर लाखों रिकॉर्ड्स पे करना है प्रोसेसिंग। एसिंक्रोनस भी तो 50,000 है, सेम ही है दोनों में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या बोल रहे हो आप? एसिंक्रोनस में भी सेम ही है 50,000 है, बट एसिंक्रोनस में बैच क्लास में 50,000 बैच क्लास में 50,000 नहीं होता है। हाँ ओके ओके, उसमें 50 मिलियंस होते हैं। ओके 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 राइट। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड बाय डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर 10,000। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर में बाद में पढ़ाऊंगा क्या है। एसओएसएल क्वेरीज इशूड, आप एसओएसएल क्वेरीज कितने कर सकते हो? 20 होता है, मतलब जैसे एसओक्यूएल क्वेरीज का 100 है काउंट, इसका 20 है काउंट। एसओएसएल क्वेरी 2,000 ही रिटर्न करता है, जैसे एसओक्यूएल 50,000 करता है, ये 2,000 करता है। टोटल नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट 150, मतलब एक ट्रांजेक्शन में 150 से ज्यादा डीएमएल नहीं कर सकते, मतलब 150 से ज्यादा डीएमएल लाइंस नहीं होने चाहिए। डीएमएल कहने का मतलब है कि डीएम बेसिकली रिकॉर्ड से नहीं, डीएमएल का लाइन मैंने कितना यूज किया है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस एज रिजल्ट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स, आप एक लिस्ट में या एक कलेक्शन में 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड ना तो अपडेट कर सकते हो, ना तो डिलीट कर सकते हो, ना तो इंसर्ट कर सकते हो। 10,000 रिकॉर्ड्स राइट, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो हम असिंक्रोनस में जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे मतलब क्या बोलते हैं लिमिट्स हैं, जो ये पर ट्रांजेक्शंस एपेक्स लिमिट होते हैं, उसी तरीके से ये बाकी है। तो हाई लेवल पे मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, और गवर्नर लिमिट्स किस तरीके से सिंक्रोनस में अप्लाइड होते हैं और किस तरीके से असिंक्रोनस में अप्लाई होते हैं। तो हम अगर इसको चीजों को समझते हैं तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हमें किसको किस अप्रोच से जाना है, सिंक्रोनस में रखना है किसको, असिंक्रोनस में रखना है किसको, और असिंक्रोनस में अगर रखना है तो कौन से टेक्निक को यूज करना है। बैच क्लास, फ्यूचर मेथड, क्यूएबल, कंटिन्यूएशन, वो हम जो शेड्यूलेबल हम कल उसको देखेंगे एक एक करके। तो वो है, तो हाई लेवल पे इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखेंगे, अब बैच क्लास हम पढ़ेंगे, लेकिन बैच क्लास से पहले मैं इंटरफेस भी थोड़ा सा हाई लेवल पे दे दूंगा, क्योंकि इंटरफेस बेसिकली कोई अगर आप देखोगे तो उप्स कम से मतलब उप्स का बहुत मतलब हॉट टॉपिक है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्यों यूज होता है राइट। हम लोग भी सेल्सफोर्स की अगर बात करें तो इंटरफेस का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे चीजें इंटरफेस ही रहता है। अगर आप बैच क्लास यूज कर रहे हो डेट इज ऑलरेडी इंटरफेस, मतलब इंटरफेस इंप्लीमेंटेड इंटरफेस क्लास, अगर आपने बैच क्लास कभी यूज किया होगा तो हम खुद से इंटरफेस का मतलब इंटरफेस यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे क्लासेस को यूज करते हैं जो इंटरफेस इंप्लीमेंटेड क्लास होते हैं, और इंटरफेस इंप्लीमेंटेड क्लास होते हैं तो हमें वो लॉजिक्स नहीं लिखने, मतलब लॉजिक्स अपने हिसाब से लिखना होता है, लेकिन इन द बैकग्राउंड वो सारे चीजें करके देता है, इन द बैकग्राउंड वो सारे चीजें करके देता है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बैच क्लास पढ़ाऊंगा तो हम इंटरफेस को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कोई सवाल है तो बताइए। सर वो नोट्स अपडेट कर दिए हैं टिगर के। ओके टिगर, ओके ठीक है, वहां पे ना। जी जी ठीक है ठीक है, ओके। सो आई गेस सिंक्रोनस असिंक्रोनस समझ आया होगा अच्छे से, और इंटरव्यू में ये हॉट टॉपिक रहता है, हॉट क्वेश्चंस रहता है। और अब आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कभी पूछेगा तो एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं। सिंपल पूछेगा सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है, आपने उसको समझा दिया, और पूछेगा कि एपेक्स में कैसे करते हैं तो ये हम बताएंगे उसको, और ये हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हम उसको सिनेरियो, जब आप ये पूछ जब वो बोलेगा कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करते तो आपने ये बताया, फिर वो पूछेगा कि बैच क्लास कब करना है, शेड्यूल क्लास कब करना है, फ्यूचर क्या होता है, ये बाद की बात आती है। तो एक एक करके सारा कुछ हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। कल क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, पहले कर सकते हैं। बताओ क्या रखना टाइम? वही जो लास्ट संडे था। 5? जी जी। अच्छा समझ सकता हूँ। अच्छा कल मैच है ना पाकिस्तान श्रीलंका का। ठीक है। तो इरफान, हाँ तो इरफान इज ही फ्रॉम पाकिस्तान? यस 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 यस।
I'm not sure, अगर कोई मसला है तो सेम टाइम पे कर सकते हैं करके। नहीं नहीं कोई नहीं है, अगर ये तो इम्पोर्टेंट मैच है आपके लिए। मैं भी मैच देखूंगा वैसे कल, इंडिया वो पाकिस्तान श्रीलंका। हाँ, तो भाई इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो देखना बनता है। सो हमारे लिए वर्ल्ड कप में इम्पोर्टेंट है, आई गेस इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में है, राइट? जी जी। तो उस टाइम वील लुक फॉर रिवेंज, राइट? नहीं, लेकिन अब जो है ना सर, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है, मतलब अब रियली में मतलब मैं बोल रहा हूँ, इतने दिन बाद देखा हूँ मैच और इतना इंटरेस्ट से देखा। अब स्लेजिंग वगैरह बंद हो गया, काफी ज्यादा मतलब वो एक फ्रेंडली मैच टाइप का ही लगता है वो। हाँ, वो चेस अल्बानियों के साथ शुरू हो गया, राइट। ओके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक इरफान कल के लिए, एंड कल हम फिर, ठीक है, क्या टाइम रखे हैं? अच्छा है, 5 बजे चलेगा? 5:30? अच्छा, अच्छा ही उधर। ओके, कोई मसला नहीं सर, वो कंफर्म कर लें व्हाट्सएप पे, अगर हो गया तो ठीक है, बता उसी टाइम पे कर, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, ठीक है, कर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बात करके। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, बाय, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।